हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द गेट नेट एंड एनी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम। सो द टॉपिक नेम इज़ कन्वर्जन ऑफ NDFA टू DFA। तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी गिवन NDFA है और उसको आप चेंज करना चाहते हो DFA में, ठीक है। ये NDFA आपका किसी भी स्ट्रिंग को जो कि एंड हो रही है आपकी 0-1 के साथ उसको जो है एक्सेप्ट कर सकता है। तो आप देखते हैं इस DFA में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, इस गिवन NDFA के लिए एक ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। तो ट्रांजिशन टेबल में आपका यहाँ आ जाएंगी स्टेट 0 और 1, आपके पास इनपुट सिंबल है 0 और 1, ठीक है। ट्रांजिशन टेबल जो है ड्रॉ करोगे तो स्टेट आपकी अगर Q0 है तो 0 पे ट्रांजेक्शन आपका कहाँ है, आपका Q0 पे ही है, ठीक है। और Q0 से 0 पे आपका ट्रांजेक्शन Q1 पे भी है तो आप Q1 भी लिख दो, ठीक है। ऐसे ही Q0 से 1 के लिए ट्रांजेक्शन आपका Q0 पे ही है, Q1 स्टेट से 0 के लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो 5 लिख दो, 1 के लिए ट्रांजेक्शन Q2 पे है तो Q2 लिख दो, ठीक है। अब Q2 से ट्रांजेक्शन आपका 0 के लिए कहीं पे भी नहीं है और Q2 से 1 के लिए भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो 5 लिख दो, ठीक है। तो दिस इज़ द ट्रांजेक्शन टेबल ऑफ दिस NDFA। अब इस ट्रांजेक्शन टेबल को आप क्या करोगे, DFA के ट्रांजेक्शन टेबल में कन्वर्ट करोगे। तो उसको कैसे करेंगे आप, अब यहाँ पे आ जाएगी आपकी स्टेट 0 एंड 1, ठीक है। स्टेट आपकी है Q0 और Q1 और Q0। अब इसमें कौन सी नई स्टेट है आपकी Q0 Q1, तो Q0 Q1 को आप यहाँ लिख लोगे Q0 Q1, और Q0 और Q1 के लिए जो है कंबाइंड आप NDFA की टेबल में जो है कंबाइंड जो है ट्रांजेक्शन को देखोगे तो Q0 और Q1 पे दोनों पे जो है 0 के लिए ट्रांजेक्शन क्या है Q0 Q1, ठीक। ऐसे Q0 Q1 पे 1 पे ट्रांजेक्शन आपका क्या है Q0 Q2, तो आप Q0 Q2 लिख दो, ठीक है। अब इनमें आपकी कौन सी नई स्टेट है आपकी Q0 Q2, तो Q0 Q2 को यहाँ लिख दो आप, और Q0 Q2 के लिए ट्रांजेक्शन देखो Q0 Q2, तो 0 के लिए ट्रांजेक्शन आपका आ जाएगा Q0 और Q1, और Q0 Q2 के लिए 1 पे ट्रांजेक्शन है आपका Q0 और 5, तो आपका यहाँ आ जाएगा Q0, ठीक है। तो दिस इज़ द ट्रांजिशन टेबल फॉर DFA। तो ये क्या आ गई आपकी DFA के लिए आपकी ट्रांजिशन टेबल आ गई, ये आपकी NDFA की ट्रांजिशन टेबल थी और ये आपकी DFA के लिए ट्रांजिशन टेबल आ गई, ठीक है। ये आपकी ट्रांजिशन टेबल आ गई। अब इसके लिए आप क्या करोगे, ट्रांजिशन डायग्राम को ड्रॉ करोगे। तो ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखो Q0 स्टेट है आपकी Q0 और 0 पे ट्रांजेक्शन है आपका, ठीक है। स्टेट है आपकी Q0 और 0 पे ट्रांजेक्शन है आपका Q0 Q1 और 1 पे ट्रांजेक्शन है आपका Q0 पे ही, ठीक है। अब Q0 Q1, तो Q0 Q1 का 0 पे ट्रांजेक्शन है आपका Q0 Q1 पे ही और 1 पे ट्रांजेक्शन है आपका Q0 Q2 पर, तो Q0 Q2, ठीक है। अब Q0 Q2 का 0 पे ट्रांजेक्शन है आपका Q0 Q1 पर, तो 0 पे आपका ट्रांजेक्शन है Q0 Q1 पर और Q0 Q2 का 1 पे ट्रांजेक्शन है आपका Q0 पर, तो 1 पे आपका ट्रांजेक्शन कर दो Q0 पर, ठीक है। तो अब इसमें जो है इनिशियल और फाइनल स्टेट कौन सी होगी, Q0 आपकी यहाँ पे इनिशियल स्टेट थी और फाइनल स्टेट कौन सी थी Q2, तो जहाँ जहाँ Q2 है आपका वो आपकी फाइनल स्टेट, तो Q2 आपका इसमें प्रेजेंट है तो ये जो है आपकी फाइनल स्टेट हो गई। तो दिस इज़ द DFA, दिस इज़ द DFA फॉर दिस NDFA। तो दिस इज़ द मेथड हाउ वी कन्वर्ट ए NDFA इनटू DFA। अगर मेरी वीडियो आपको बाकी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।